हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, हमारे बलिया और दिल्ली के बीच का थोड़ा सा व्यू मैंने लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए और वीडियो स्टार्ट करने के लिए। तो फिर से न्यू वीडियो स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और ये देखिए गुनगुन की नई दोस्त, और एक है ये है दीदी पेरिसी, जिससे गुनगुन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और बस अपने डांस सिखाने में लगी हुई है। हेलो हेलो कर दो, तुम्हारा नाम क्या है? हेलो कर दो। तो देखिए कितनी क्यूट सी प्यारी सी स्माइल है इसकी, और एज यूजुअल इसको तो आप जानते ही हैं, हमेशा देखे मेरे ब्लॉग में गुनगुन। और 2-3 महीनों से ये घर बंद पड़ा रखा था और बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो रखा है। देखिए आप सब लोग लगे हैं आने के बाद जस्ट बस सफाई में, बच्चे, मेरे हस्बैंड, और इतना सारा सामान था, सामान तो बहुत ज़्यादा हो गया था। और मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ और गुनगुन थोड़ा सा पीछे से रिकॉर्डिंग कर रही है। मैंने बोला चलो ठीक ही है आप लोगों के। दरअसल होता क्या है ना कि मैं मतलब व्यस्त हो जाती हूँ, अगर ऐसा रहता कि कोई रिकॉर्ड करता तो वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी बनती, तो इससे मेरी बेटी ने साथ दे दिया मेरा। मैं कह नहीं सकती, इतना ज़्यादा धूल गंदा, अब पूछिए मत। थोड़ी थोड़ी मतलब तो हुई है क्लीनिंग, लेकिन अभी पूरा चीज़ अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। बेटा वहीं पे रखो, तो ये परेशान है एकदम, मार खाने वाली है आज मेरे से। अक्सर ये होता है ना कि जब व्यस्त रहो तो बच्चे भी परेशान करके रखे रहते हैं, लेकिन बहुत मतलब अभी क्या है, धूल के मारे चिड़ मच रखी है मेरे सिर पर एकदम। अभी बच्चों को नहाने के लिए भेजा है, बाथरूम क्लीन किया है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी ऊपर से डस्टिंग की है, लेकिन झाड़ू करने के बाद फिर से डस्टिंग करनी पड़ेगी। और पसीने आप देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो रखी है। तो चलिए फिर देखते हैं कितना मैं आप लोगों तक दिखा पाती हूँ। तो बस चेयर वेयर सब क्लीन हो गया है, और उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा फिल्टर का पानी गिराया क्योंकि प्यास लगी है, एक बोतल पानी भरूँगी पीने के लिए, पता नहीं कहाँ बोतल रख दिया है पानी वाला। और यहाँ पे पता है किचन में बैठी हुई हूँ, और टाइम कितना 10 बज गया हम लोग को आए हुए, मतलब करीब 3 घंटे हो गए, 3-3.5 घंटे, और अभी कुछ नहीं हो रखा है। बस अभी मतलब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा काम हो गया है। और ये और पीयूष गए हैं अभी गुनगुन के बुक्स उसके स्कूल से कलेक्ट करने थे, तो वो लोग नाश्ता वास्ता कर लिए। दीदी है तो यहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं है, नाश्ता खाना वो मतलब नाश्ता भिजवा दिए सैंडविच बना के, और बस खाना भी लेकर आएगी वो, बोली है खुद। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा बस लगी हूँ तो पेपर ऊपर भी चेंज कर दूँ, क्योंकि पता है वैसे तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन किचन एक चीज़ पॉसिबल है, किचन अब मतलब क्लीन करो। और कुछ कुछ सामान था जो कि आया हुआ था अभी, जैसे कि यहाँ पे अब मतलब अंदर मैंने रखा हुआ है आलू प्याज हरी सब्जियाँ, वैसे तो राशन वसन सारी चीज़ें थी, लेकिन और पता है अभी बर्तन वर्तन सबको एक बार बिना धोए तो वो यूज़ होगा नहीं, थोड़ी सी मैंने धो रखी है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब क्लीन करना बाकी है। और इधर मैं अभी देखने वाली थी, पता है मैंने कुछ कुछ पैकेट्स ऐसे थे जो कि मैं अभी रख कर गई थी, और यहाँ पे अब देखिए पूरा मतलब भरा पड़ा हुआ है, लेकिन ये एकदम, और इसका ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा क्या बताएं, चलिए कोई नहीं, होता रहता है, इसको मैं निकालूंगी यहाँ से। और इसको निकालने के बाद ऊपर भरा हुआ, बताए एक चीज में हंसने वाली आप लोगों को बताती हूँ, एक छोटा सा ना बताए, बहुत बहुत पुराना है वो, जैसे हम लोग पुराने वाले घर पे रहते थे जब चीरा बस्ती में, वहाँ पे प्लीज़ मेरे चेहरे पे मत छाना क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। वहाँ से क्या हुआ ना कि मैं मतलब छोटा सा सिलबट्टा था, तो वो ना मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, कम से कम मेरे हाथ से थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन सिलबट्टा है तो वो तो भारी होगा ही ऑटोमेटिक, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताई थी कि मैं सिलबट्टा लेकर आ रही हूँ। वो दरअसल पीयूष का फ़ोन आ गया था, दरअसल पता है क्या है, कूलर का एक हाथ चेंज कराना था, गर्मी तो है यहाँ पे, सच में गर्मी है, लेकिन क्या करें, चलिए होता रहता है। तो पता है सिलबट्टे की कहानी मैं बताती हूँ, एक बैग था उसमें थोड़ा सा भैया ने जबरदस्ती कच्चे आम पौधे का दे दिया था,
क्योंकि 2-3 दिनों में पक जाते हैं, तो वो मैं नहीं लेकर आती डर के मारे कि यार इतने खुदी सामान हो गए थे। और भाभी पता है, भाभी ने बोला कि नहीं नहीं तुमको लेके जाना है, लेके जाना है। भाभी बोली मैं ऐसे रखूंगी किसी को पता ही नहीं चलेगा। सच में भाभी ने वैसे ही रखा, बिल्कुल किसी को पता नहीं चला। लेकिन लास्टली जब किचन में आए चाय बनाने के लिए, बोले कि क्या है इसमें इतना भारी। बोले हे भगवान, तुम सिलबट्टा लेके आई हो। मैंने बोला कि जो चाह रहे थे अपनी सारी चीजों का अरेंज करके रखता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। बोले यार तुम्हारा बस चले तो तुम घर में चक्के लगा दो। मैंने बोला ऐसी बात नहीं है। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा तो कचूमर निकल ही गया आज, लेकिन चलिए कोई नहीं, हिम्मत है। कहते हैं ना कि नहीं पता क्या कहते हैं, चलिए फिर बाय बाय।